नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज सीपीआई के फायर ब्रांड कहे जाने वाले युवा नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने जिग्नेश मेवानी के साथ राहुल गांधी के समक्ष अपनी सदस्यता ली और उन्होंने सदस्यता लेने के बाद एक बात कही कि अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को बचाना होगा। तो क्या इसे ये अंदाज़ा लगाया जाए कि कन्हैया कुमार के नज़र में कांग्रेस का अस्तित्व अभी मौजूदा परिवेश में खतरे में है? क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता बयान बिहार सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री बने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी आया। देखिए, जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, चुनाव एक बार लड़ चुके हैं, जिस विचारधारा के साथ बड़ी लड़ाई लड़ने की वो बात किया करते थे, आज स्वयं उनको पता लग गया कि वह विचारधारा फेल हो गई है, तभी तो पार्टी बदल रहे हैं। और जिस विचारधारा के साथ लड़े थे, बेगूसराय की जनता ने किस तरीके से उनको पराजित किया था, वो परिणाम भी उनको याद होगा। और अब जब विचारधारा बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी, तो राज्य की जनता लोगों के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं, राज्य के विकास के लिए राजनीतिज्ञों को अपना समर्थन देती है। और ऐसे राजनीतिक दल में आज वो जा रहे हैं जिस दल को बिहार की जनता पहले ही न केवल नकार चुकी है बल्कि डूबती हुई नाव की तरह उसकी स्थिति बना चुकी है। तो अब यदि कोई डूबते हुए नाव पर सवार हो रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। आपने सुना मंगल पांडे ने कहा कि कांग्रेस तो खुद डूब ही रही है और साथ ही साथ कन्हैया कुमार को भी डुबा देगी, लेकिन कन्हैया कुमार के आने से कांग्रेस के नौजवान कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह भर गया है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। ये बात कह रहे हैं बिहार कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर। कन्हैया कुमार जी जैसे यंग लीडर जिनकी पहचान पूरे भारत वर्ष में हो, छात्र नेता के रूप में, नौजवान नेता के रूप में, निष्पक्ष छात्र नेता के रूप में, तो ऐसे नेता को कांग्रेस में आने से कांग्रेस पार्टी, खासकर बिहार कांग्रेस को अवश्य मजबूती प्रदान होगी। और मुझे लगता है कि कन्हैया जी के आने से तमाम कांग्रेसों में उत्साह भी है और नौजवानों में खासकर उत्साह का अंबार है। अब जरा हम लोग जान लेते हैं कि कौन है कन्हैया कुमार। दरअसल कन्हैया कुमार जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2015 में इनकी यहाँ से पहचान शुरू हुई थी, इनका सफ़र यहाँ से शुरू हुआ था और 2016 में सबके जबान पे कन्हैया कुमार का नाम आ चुका था। कथित तौर पे इन्होंने देश विरोधी नारे लगाए थे। इसके बाद 2019 में इन्होंने बेगूसराय से गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा जिसमें इन्हें 4,22,000 वोटों से मात मिली थी। और उसके बाद ऐसा कहा जाने लगा कि सीपीआई में कन्हैया कुमार का कद छोटा हो गया है और सीपीआई में इन्हें तरजीह कम दी जाने लगी है, जिसके बाद कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन। अगर अंदर के खबरों की माने तो कन्हैया कुमार ने सीपीआई इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें स्टेट हेड का पद नहीं दिया जा रहा था, यानी बिहार प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा था। और बिहार में भी बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर कांग्रेस के अंदर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो क्या ऐसा होने वाला है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन पर। धन्यवाद।